दोस्तों 38 लाख वृद्धावस्था पेंशन, 32 लाख विधवा पेंशन और 11 लाख दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अप्रैल, मई और जून का पैसा जो है उनके खाते में भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का पैसा जो है उनको भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका जो है अभी भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो वेबसाइट पर यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो है ऐड हो गया है। अब आप अपनी पेंशन का पेमेंट का भुगतान का ब्यौरा जो है चेक कर सकते हैं, पूरे वित्तीय एक वित्तीय वर्ष का जो है आप ऐसा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो भी बिना ओटीपी के। आपके मोबाइल पर ओटीपी भी नहीं जाएगा और आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपनी पेंशन का पैसा जो ना चेक कर सकते हैं अपने भुगतान का। तो कैसे जो ना आपको यहाँ पर चेक करना है आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो ये देखिए, ये ऑप्शन नया ऐड हो गया है, आवेदक को भुगतान का विवरण। यहाँ पर देखिए, अब आप पूरे वित्तीय वर्ष का अपने पेमेंट का भुगतान का विवरण जो ना चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन का बिना ओटीपी के। यहाँ पर देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किस्त का यहाँ पर देखिए पैसा जो ना आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से बैंक है और कौन सी यहाँ पर अकाउंट नंबर है, IFSC कोड, सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और कब सुना आपको पेमेंट रिलीज हुआ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर इनको जो ना 28 जून को यहाँ पर 22-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो ना पैसा मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए 2022-23 और Q1 जो ना लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए डेट जो ना आपको देखने को मिल जाती है 28 जून 2022। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप यहाँ से पूरा पेमेंट जो है चेक कर सकते हैं, कितना जो है आपको यहाँ पर पेमेंट मिला है, 3000 रुपये यहाँ पर देखिए मिला हुआ है और यहाँ से ना आप सारी जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना ओटीपी के। तो आपको जो है कैसे चेक करना है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी ओल्ड एज पेंशन हो तो इस पर क्लिक करना है, अगर आपकी विडो पेंशन है तो इस पर क्लिक करना है, अगर आपकी दिव्यांग पेंशन है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरी ओल्ड एज पेंशन है तो यहाँ पर पहला जो लिंक दिया हुआ है इस पर जो है आप क्लिक करना है, ओल्ड एज पेंशन लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसी और का फॉर्म जो ना ओपन हो जाएगा, यहाँ पर किसी और का फॉर्म जो इस तरीके का ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसको जो ना आपको शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस लिंक को जो ना कॉपी कर लेना। जैसे कि यहाँ पर जो ना कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर अपने व्हाट्सएप या आप नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नोटपैड में पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेंज करना है। यहाँ पर जो ना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, देखिए इस तरीके से ना आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेंज करना है। यहाँ पर जो ना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देते हैं, सिंपली इस पर जो ना क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पेस्ट कर देते हैं, या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। इसको जो ना आपको सेलेक्ट करना है पूरे को। इसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, या आप इसको कॉपी करके करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इस URL को जो ना आपको सर्च करना है। यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म जो ना ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्म जो ना ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप सारी जानकारी जो ना डिटेल्स अपनी निकाल सकते हैं पूरे फॉर्म की। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाता है फॉर्म का स्टेटस जो ना, यहाँ पर आपका जो ना कब रीवेरीफाई हुआ है, यहाँ पर अब PFMS का स्टेटस क्या है, आप यहाँ से सारी जानकारी निकाल सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आवेदक को भुगतान का विवरण जो ना आपको यहाँ पर ऑप्शन नया दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको किस बैंक में जो ना पैसा मिल रहा है, आपको जो ना यहाँ पर कितना जो ना अमाउंट मिला है, किस डेट में मिला है और कौन सा क्वार्टर का यहाँ पर पेमेंट मिला है। यहाँ पर देखिए जैसे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का पेमेंट मिला हुआ है, इसके बाद 2021-22 Q2, Q3, Q4 इस तरीके से जो ना आप पूरे वित्तीय वर्ष का पैसा जो ना चेक कर सकते हैं। एक साल का यहाँ पर जो ना पैसा यहाँ पर दिखाई देगा आपको, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और चतुर्थ किस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ जो ना आप चेक कर सकते हैं अपनी अपने जो ना पेंशन का पैसा जो ना बिना ओटीपी के। आपको ओटीपी फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म का स्टेटस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको जो ना पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।